எப்படி கைஸ் பேக்ரவுண்ட் கேம்ல வீடியோ தோ கைஸ் ஆஸ் அப்பன் லோ खेलना नहीं रिएक्ट करने जाने हैं अपनी जो सीरीज चालू हुई थी 3 अप्रैल को वो अपन ने सोचा है उसके वीडियो नहीं डाली है तो मैं अब बोर बैठा हुआ था तो मैंने ये कर ली चालू और आज अपन लोग खेलना देखने वाले हैं टाइम नंबर 1000 आएगी वर्थ इज 0 आएगी मूवमेंट इन माइनक्राफ्ट तो अब और ये हीरो ब्रांड से भी बना है तो अपन अब देखते हैं दोबारा से खेलने जा रहे हैं। ताल अभी नीचे आ चुका है, इसकी आधी एचपी मैं ऑलरेडी लॉक कर चुका हूं और अब मुझे बस इसे पूरा फिनिश करना है। बस ये इस बारी मर जाएगा अगर ये यहां से उड़े ना तो इसने मुझे उड़ा दिया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोग भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्लच है पर ये बहुत से लोग कर पाते हैं, इजीली हो जाता है। यहाँ पर MLG करके इससे बच सकते हैं, बट आपको आने से तरह मुंह तोड़ता हूँ मैं। ओके गाइस, तो भी अपने बड़े से टावर का जो भाई ये मेरे को पक्का याद है, ये हीरो ब्रांड से मिलता शायद वॉर से पहले वाला एपिसोड था, बहुत 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 मनी था और इस वर्ग तो यहाँ तक तो आते ही नहीं थे वाटर वगैरह तक। फ्रेम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और यार ये देखो ऊपर की तरफ में युद्ध चल रहा है भाई, ये चपाती भाई नीचे तीर मार रहे हैं बंदों को और वो बेचारे आराम से काम कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, वैसे चपाती भाई भी काम करवाने वाले हैं बहुत तेजी में, थोड़ा सा चपाती भाई को एक बार ना डराते हैं। ओ भाई ये क्या बदतमीजी हो रही है टावर पे। ठीक है यार, तो बिना फटाफट से मैं भी चलता हूँ सीधा नीचे वाली साइड पे, चपाती भाई ओपी बोलते हैं, क्योंकि अभी ना मुझे भी वहाँ पे काफी सारे ब्लैक स्टेन ग्लास लगाने हैं तो ट्राइडेंट का यूज करके हम लोग वेट मालूम आप लोगों को क्या होने वाला है, फुल स्पीड में नीचे जाने वाले। वाओ लॉल भाई म्यूजिक अजय भाई नीचे आके प्लीज। मैं आके शरद बता देता हूँ क्योंकि अब कैमरा नहीं मारूंगा इधर से, बस आ रहा हूँ। यहाँ पानी डालो, आजा आजा नीचे आजा। ओके नहीं नहीं अज्जू भाई नहीं डरते किसी मंजर से क्योंकि वो अपना पिछवाड़ा भी खुजाते हैं खंजर से। खंजर से ठीक है भाई, आपका पिछवाड़ा तो लाल हो जाता होगा भाई यार ये बहुत फनी था, मैं नॉट मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ, बहुत फनी था ये भाई लेके आयो यहाँ पे नहीं को भी हाँ मैं चेक कर रहा था बस ये यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ और अभी ना मुझे यहाँ पर विदर को स्पॉन करने के लिए मतलब कि ये जो आप चार सामान देख पा रहे हो ना और थोड़े बहुत ब्लॉक्स, बस हमें इतना ही सामान चाहिए एक विदर को मारने के लिए। मैं कोई भी टूल इतनी तगड़ी स्वॉर्ड है एक्स है मैं कुछ नहीं यूज करने वाला हूँ, मुझे बस ये सोल सैंड और ये मेरे को इस टाइम पर विदर स्कल चाहिए विदर को स्पॉन करने के लिए। तो यहाँ पर बस मुझे कुछ इस तरीके से विदर को ना लेटा के स्पॉन करना है, दो तीन तरीके से विदर स्पॉन हो जाता है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम लोग विदर को कुछ इस तरीके से स्पॉन करेंगे। यहाँ पर विदर स्कल लगा देते हैं 1, 2 and 3 अभी नहीं, 3 अभी नहीं, 3 अभी नहीं, क्योंकि तीसरा स्कल लगाते ही यहाँ पे विदर स्पॉन हो जाएगा और फिर वो हमें ऊपर जाने का मौका नहीं देगा, और अगर वो हमें ऊपर जाने का मौका नहीं देगा तो वो हमें यहीं पर फोड़ डालेगा। इसीलिए मुझे पहले से ही ना कुछ ब्लॉक्स लगा के रखने हैं, वो भी ना एकदम बैक साइड से, यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो अब जैसे विदर स्पॉन होता है मुझे यहाँ से बहुत तेज स्पीड में भागना होगा सही में, तो फिर देरी किस बात की, कर डालते हैं फटाफट से विदर को स्पॉन। तो ये वाला जो स्कल है ना बस हमें इस पे लगाना है ताकि हम लोग नीचे भी ना गिरे। अभी विदर स्पॉन हो चुका है, अब बस मुझे ना इसकी थोड़ी साइड से ना ऊपर जाना है सीधा, वो भी बहुत तेज, क्योंकि अगर एक बारी वो फुल चार्ज हो गया ना तो हमें मारना शुरू कर देगा और उसके ब्लास्ट से हमें थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है। अब विदर जो हमारा टारगेट है वो हमारे नीचे है, बाकी इसमें आप जितनी तेज तेज ड्रिपस्टोन गिराओगे उतनी तेज तेज वो मरेगा, मतलब कुल मिला के जो ट्रिक है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर ना एक काम करते हैं थोड़े बहुत ब्लॉक साइड में लगा देते हैं ताकि मुझे ड्रिप स्टोन गिराने में आसानी हो। तो मुझे यहाँ पर ना एक ही ट्रैप डोर रखना है और इसको इसके नीचे मुझे लगाना है ये। मैं ना यार जल्दबाजी के चक्कर में थोड़े बहुत ब्लॉक्स ही कम लेकर आया हूँ, बट हाँ सेटअप अपना सारा हो चुका है, विदर नीचे है तो मुझे बस ऐसे ड्रिप स्टोन लगा के ये खोलना है। ये गया सीधा नीचे और देखो विदर के सर पे गिरा, अब बस मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगा के खोलना है वापस बंद, और इसी तरीके से विदर सिर्फ 5 से 6 सेकंड के अंदर ही मर जाएगा और
इससे भी फास्ट अगर आपको मारना है ना तो आप और ज्यादा हाइट पे चले जाना, और ज्यादा डैमेज मिलेगा उसे सिंगल सिंगल ड्रिप। देखो अगर इस वीडियो पे आ जाते 10 लाइक तो मैं ये पक्का अपने हार्डकोर वर्ल्ड में करने वाला हूं। तो देखते हैं स्टोन से। मेरी गलती ये है कि यार मैं ना ब्लॉक से कम लेकर आया था, वरना मैं और ऊंचाई पर जाता और वेदर की नजरों में कोहरा ही कोहरा कर देता। बट ठीक है, हमने भी ना, मैं ये जो वीडियो है ना वो मैं बस 5 मिनट तक करने वाला हूं, क्योंकि मेरी ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है, तो कितनी आसानी से मार डाला पता भी नहीं चला भाई कसम से। देख रहे हो गाइस, बच्चा है विदर 1.5 साल का, खाली बिल का खौफ बना रखा है। आप बेसिकली इसके लिए लक डिपेंड करता है यार, सबसे ज्यादा स्किल्स भी डिपेंड करती है, स्किल भी डिपेंड करती है, बट उससे भी ज्यादा मेरे हिसाब से लक डिपेंड करता है। तू ही मार देगा मेरे को, है तू तू मारेगा स्टील का। ओ भाई सब छोटा वाला, ये आयरन नगेट, ओ सॉरी गोल्डन नगेट लेकर घूम रहा था। रोटन फ्लैश कहाँ है? 5 रोटन फ्लैश मिल रहा है, वाओ तेरी मेहनत पे 5 रोटन फ्लैश। अभी एक बार ही इसने सिंग मार, ओ तेरी, वो देखो भाई कहाँ से मारा है। जितना तो मैंने हील नहीं करा था उससे ज़्यादा वो मेरी हेल्थ ही लेगा। गिबी भाई सब गिबी आ गया था मेरे। अबे यार ये इसने मेरी टक्कर मार दी भाई, लाल भाई। तो गाइस यार अगर आपको ये वाली मतलब वीडियो अच्छी लगती लगी गई होगी, क्योंकि आज तो उज्ज्वल भाई के ऊपर ही थी, तो जो भी है, तो जिस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।